और हमारी काली नाराज हो गई है क्योंकि दरवाजा बंद है और बाहर जो है वो रस्म होने लगी है, ठीक है, गोडा पकड़ाई वाली। तो इसको कभी बाहर नहीं जाने दे रहा और ये इसलिए जो है ना नाराज हो गई। काली नाराज हो कालो नाराज हो, ये देखें जी ये नाराज है, बता रही कि हाँ मैं नाराज हूँ। कोई बच्चा नाराज हो गया, छोटा सा, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा नाराज हो गया। ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा कब उठेगा? ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा बात नहीं कर रहा ना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन बाज़ार ज़ारा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बफ़ल से खुदा खैर आफियत से होंगे। यहाँ पे हो रही थी रस्म के दुल्हन जब अपने ससुराल आती है तो उससे कुरान मजीद जो है वो पढ़वाया जाता है। तो इस रस्म के बाद फिर एक और रस्म हुई जिसे गोडा पकड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस रस्म में देवर जो है वो भाभी को कुछ पैसे देते हैं और भाभी उस रकम को दुगना करके अपने देवर को वापस करती है। दूध पिलाई की जिस तरह से रस्म की जाती है ना शादियों पे, ये उसी तरह की कुछ रस्म होती है। तो फाइनली ये भी अपने अंजाम को पहुंची और इसके इख्तिताम के बाद जब सब अपने घरों को चले गए तो रात में हम सब कज़न्स ने मिलकर नूडल्स और टिक्के इन्जॉय किए। तो जी ये मेरी ज़िंदगी की बहुत यादगार शादी थी क्योंकि हमने बड़ा इन्जॉय किया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन बाज़ार ज़ारा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बफ़ल से खुदा खैर आफियत से होंगे। हम लोग जाने चाह भी रहा हूँ, इसमें मेरे साथ ही मेरी कज़न्स और लाइफ में फर्स्ट टाइम अपनी इन कज़न्स के साथ में कहीं जा रही हूँ। तो जिस तरह हम जाते रहेंगे इस तरह आपको दिखाते रहेंगे। तो जी हम आए थे चामीरा बाज़ार और ये थी मेरी कज़न जो कि हमसे कुछ कदम आगे चल रही थी। तो जी ये था चामीरा बाज़ार। हमने यहाँ से जो है वो चीज़ें ली, वीडियो नहीं बनाई। वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मोबाइल की जो बैटरी थी वो कम थी और अगर मैं वीडियो बनाती तो वो घर जाने से पहले ऑफ हो जाता। अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर और बस ये छोटा सा ब्लॉग था हमारा। शॉपिंग बाद में दिखा देंगे घर जाके क्या किया था हमारा। हम लोग बाज़ार आए वैसे चामीरा में और हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग भी किया। हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में भी बताएंगे कि हमने क्या शॉपिंग किया और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छी वीडियो के साथ। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो नोटिफिकेशन आपको इजीली नहीं मिले। और हमें इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए एक बाज़ार की और एक मेरी। सर्दियों में करना है सफ़र का मज़ा दोबाला तो लीजिए आइसक्रीम, और आइसक्रीम भी जब हो बहुत मज़ेदार तो हो जाता है सफ़र और ख़ूबसूरत। तो जी नेक्स्ट डे का आगाज़ हो चुका था और हम लोग जा रहे थे मुकलावे पे दुल्हन को लेने। रास्ते में आई एक नहर, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता। फाइनली हम अपनी मंजिल को पहुँच चुके थे और उसके बाद दुल्हन वालों का इंतज़ार कर रहे थे। दुल्हन वाले जो थे वो थोड़े से लेट हो गए थे और कज़न खड़े हुए थे मेरे मून भाई। तो यहाँ पे जी व्लॉगिंग भी हो रही थी, साथ साथ टिकटॉक्स भी बन रही थी क्योंकि टिकटॉकर्स भी थे, व्लॉगर्स भी थे, सारों की मिली जुली खिचड़ी बनी हुई थी। और बस हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। मेरे मामू खड़े हुए थे, वो दूल्हा मियाँ, वो साइड पे बिलाल है, साइड पे कजन्स थी। और तो ये हैं जी मनाजिर कुछ जो कि आप लोग के साथ शेयर किए जा रहे हैं। ये तीनों प्लेट्स ना बिलाल की थी क्योंकि बिलाल को मीठा बड़ा पसंद है। मुनीब अहमद, मुनीब अहमद लाला की तरफ देखो जरा, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? सैंडविच खा रहा है। और अब जो आप प्लेट देखेंगे ना वो अनमोल की थी, मेरी इस कज़न की जो कि यूट्यूबर है, क्योंकि उसे जाली बहुत पसंद थी। और अब हम लोग आए थे गोलगप्पे खाने, सब चीज़ें एक तरफ लेकिन गोलगप्पे एक तरफ। अब जरा कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि मेरी गोलगप्पे वाली बात से कौन कौन मुत्तफिक है। अलविदा कहते कहते अलविदाई आ गई, अलविदा
कहते कहते अलविदाई आ गई, कुछ दिन इकट्ठे रह के फिर जुदाई आ गई। मज़े का था ना शेर, शेर मज़े का था। मैंने फिफ्थ क्लास में ना, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कार्ड दिया था, उसने मुझे लिख के दिया था इस पर, जबकि मैं स्कूल छोड़ रही थी, तब की बात है। अच्छा जी, खैर अब हम लोग जा रहे थे घर की जानिब, यानी कि एक मंजिल को अलविदा कहने के बाद हम अपनी दूसरी मंजिल की तरफ रवान दवा थे। जो दुल्हन थी उनके घर जा रहे थे, कुछ रस्म थी जो कि वहाँ पे अदा होनी थी, और दुल्हन के मायों पे क्या सेटअप था वो भी मैंने जाके कैप्चर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, नाइस लगा, आप लोग को भी एक नया आइडिया मिल जाएगा इससे। अब ज़रा मेरी बात को गौर से सुने, दो फंक्शंस को एक वीडियो में दिखाना है ना मेहनत का काम, तो करें ना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को करना सब्सक्राइब। अपना रखना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।